हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र सम्मान से नवाजा जाएगा। अभिनंदन के साथ ही वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह मेडल 27 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की वायुसेना के बीच डॉग फाइट के बेहतरीन तरीके से फ्लाइट कंट्रोल का कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। दोनों को कल यानी 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि वीर चक्र भारत का युद्ध के समय का वीरता पदक है। यह सम्मान सैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। वरीयता में यह महावीर चक्र के बाद आता है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में की गई आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक के बाद उपजे तनाव के दौरान भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तानी F-16 विमान को गिरा दिया था। अभिनंदन ने 27 फरवरी को MiG-21 बीसन से पाकिस्तान के F-16 विमानों का पीछा करने के बाद एक विमान मार गिराया था। बाद में उनका विमान एक मिसाइल का निशाना बन गया, जिसके नष्ट होने से पहले ही वे विमान से निकल गए थे और उसके बाद पाकिस्तानी क्षेत्र में फंस गए थे। हालांकि भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान को अभिनंदन वर्तमान को छोड़ना पड़ा था। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन तकरीबन 60 घंटों के बाद ही उन्हें वाघा बॉर्डर पर भारत को वापस कर दिया था। वहीं भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने हाल ही में मेडिकल टेस्ट पास कर लिया है। इसके साथ ही अभिनंदन अब जल्द ही उड़ान भर सकेंगे। पायलट की फिटनेस की जांचने वाली संस्था बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने विंग कमांडर अभिनंदन को उड़ान भरने के लिए फिट घोषित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।